जनता को सुन रहे थे, तमाम जो मेरे रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं, और कुछ वोटर्स का यही कहना था कि अभी भी सफाई नहीं हुई है, वो सफाई को लेकर बहुत परेशान है। ये देखिए, मैं भी सुन रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि स्वच्छता और विकास के लिए वोट करेंगे। हाँ। और जिस हिसाब से मोदी जी विकास कर रहे हैं, और सफाई स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का सबसे बड़ा अभियान में से एक है, तो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर स्वच्छता का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और आज भी दिल्ली की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है और आने वाले समय में बेहतर होगी, और जो भी लोगों की शिकायतें हैं उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, और उनको सुन के आगे हम बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम आगे काम करेंगे। वहीं अगर मनीष सिसोदिया जी की बात रही कि जिस हिसाब से अभी वो बोल रहे थे टीवी पे, तो वो तो मैं उनके पड़ोस की विधानसभा से हूँ, और उनके क्षेत्र का हाल ऐसा है कि वहाँ पर सड़क कम है और गड्ढे ज़्यादा हैं, तो जो अपना घर का जो अपनी मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं सही कर सके वो पूरी दिल्ली की बात ना करे तो ही बेहतर रहेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि उन्होंने किसको वोट करना है और किसने अपने वादे पूरे करे हैं। मोदी जी ने अपने वादे पूरा करा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरविंद केजरीवाल जी ने ना यमुना जी को साफ किया, और ना ही दिल्ली के अंदर जो तारों का जाल है और ऐसे तमाम चीजें हैं जो वो ठीक कर सकते थे, उन्होंने नहीं करी। तो दिल्ली की जनता काम पे वोट करेगी, प्रचार पे वोट नहीं करेगी। राजीव, आप भी वहां पर मौजूद हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करिए, पूछिए उनसे उनके मुद्दे क्या हैं।